हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल टू सैनिक पब्लिक हाई स्कूल यूट्यूब चैनल। हमने पिछले जो जूम क्लास स्टार्ट किए थे, वह हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और पहला इंट्रोडक्शन में हमने वहां कंप्लीट किया था व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सब टाइप्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने, अगर आपको याद होगा, तो हमने पहले बाइनरी फिशन किया था डिस्कस, कि एसेक्सुअल मेथड के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सब टाइप्स है ये हमने डिस्कस किया था। दूसरा हमने डिस्कस किया था मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन भी हमने डिस्कस किया था बच्चों। और इसके बाद तीसरा मेथड जो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ अब हम चौथा टाइप करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फोर्थ सब टाइप हम डिस्कस करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इट इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या चीज है, देखो क्या होता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ऑकर्स इन अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म जो है, इसमें ये मेथड, इस मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं अर्थवॉर्म्स, या एक अलगा है स्पाइर वगैरह। स्पाइर वगैरह इज एन अलगा, इट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। इसके बाद सी एनिमोन्स, सी एनिमोन है, सी एनिमोन्स भी इसी मेथड के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नए बच्चों को जन्म देते हैं। अब व्हाट हैपेंस इन दिस मेथड, देखो क्या होता है इस मेथड में, फ्रेगमेंटेशन में। देखो पहले जो ऑर्गेनिज्म है, मेन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो अर्थवॉर्म है, सी एनिमल है या स्पाइर वगैरह, इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इट ब्रेक्स इनटू टू और मोर पीसेस। जो मेन ऑर्गेनिज्म है, इसके दो या तीन टुकड़े बन जाते हैं, कट्स हो जाते हैं। कट नेचुरली भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियली भी, ठीक है। नेचुरली का मतलब है खुद ही नेचर में इसके दो टुकड़े या दो से ज्यादा टुकड़े हो गए, जैसे कोई अर्थवॉर्म है या स्पाइर वगैरह है, ठीक है। नेचुरली किसी ऑर्गेनिज्म ने इसको काट दिया, ठीक है, या हम आर्टिफिशियली इसको टुकड़े किए, ठीक है, यानी हमने अर्थवॉर्म ले ली, इसके हमने टुकड़े किए खुद, ठीक है। फिर जो है उनको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, जो रिजल्ट, जो रिजल्टिंग जो पीसेस आ गए, फ्रेगमेंट्स उनको कहते हैं। इसके बाद जो फ्रेगमेंट्स है, ईच फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट जो है वो इनको फिर से कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। हर एक पीस से कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ठीक है, ये मेन प्रोसेस है। व्हाट हैपेंस इन फ्रेगमेंटेशन, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर पीसेस, नेचुरली और आर्टिफिशियली, व्हिच आर कॉल्ड एज फ्रेगमेंट्स। देन ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट इट डेवलप्स इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, वो मरते नहीं है, सारे के सारे फ्रेगमेंट्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। जैसे मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगा, देखो डायग्रामेटिकली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा बेटर थे। जैसे ये मान लो एक स्पायर वगैरह है, ठीक है, सपोज दिस इज अ स्पायर वगैरह, एक स्पायर वगैरह है मान के चलो, दिस इज स्पायर वगैरह, ठीक है, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये स्पायर वगैरह है। अब ये ऑर्गेनिज्म है स्पायर वगैरह अलगा, अगर इसके कट हो जाएंगे, मानो यहां पे कट हो गया, यहां पे दो कट्स हो गया, तो दो कट से क्या हो गया, तीन फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है, इस तरीके से आर्टिफिशियली या नेचुरली इसके दो कट्स हो गए, ठीक है, तो इस दो कट्स के इस रिजल्ट क्या हो जाएगा, तीन पीसेस, तीन फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, यहां से यहां तक तो एक बन जाएगा इस तरीके से,
ये एक फ्रेगमेंट बन गया, ठीक है, यहां से यहां तक दूसरा फ्रेगमेंट बन गया इस तरीके से, दिस इज द अनदर फ्रेगमेंट एंड दिस इज द थर्ड फ्रेगमेंट, इस तरीके से तीन फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है। ये मेन ऑर्गेनिज्म है परावैरा, तो क्या हो गया, आर्टिफिशियली और नेचुरली इसके दो कट्स हो गए और इसके नतीजे नतीजा इसका क्या निकला, तीन फ्रेगमेंट तीन पीस दाग, इनको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो ये फ्रेगमेंट्स बन गए, तीन फ्रेगमेंट्स। अब ये तीन फ्रेगमेंट जो है दे आर नॉट डाइंग, दे सर्वाइव एंड दे फॉर्म कंप्लीट न्यू स्पाइरोवायरा। देखिए ये पीस जो है इसको भी नया पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इस तरीके से, इसको भी पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, पूरा स्पाइरोवायरा बन जाएगा इसको, इसको भी बन जाएगा इस फ्रेगमेंट को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इस फ्रेगमेंट को भी पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इस लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज फ्रेगमेंटेशन। ऐसा इस में वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग फॉर यू what happens in fragmentation, the main body of the organism like earthworm, sea anemone or spirochaea, it breaks into two or more pieces artificially or naturally, and then the each fragment it develops into a complete organism, and this is what you call as fragmentation. Okay, simple process is called fragmentation kehte hain. Aaya sab yahan tak clear hai? Theek hai, तो ये हमारा हो गया फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद अनदर मेथड है, अनदर मेथड इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज बडिंग, बडिंग इट इज द अनदर मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड व्हाट हैपेंस इन दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ऑकर्स इन हाइड्रा। हाइड्रा इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक एनिमल है, हाइड्रा है, तो हाइड्रा जो है ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग। नाउ व्हाट हैपेंस इन बडिंग, देखिए फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रा बनाऊंगा, दिस हाइड्रा इज लाइक दिस, हाइड्रा मेन बॉडी हाइड्रा की, ठीक है, ये इसका माउथ है और इसमें ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिस इज द माउथ, ओके, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज टेंटिकल, दीज आर फाइव इन नंबर, 3, 4, 5, दीज आर फाइव इन नंबर टेंटिकल, दीज आर कॉल्ड एज टेंटिकल। हाइड्रा जो है, हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, इज एन एनिमल, and it reproduces by this method which is called as budding, it's another method of asexual reproduction. What happens in this, dekhiye ye by hydra organism bana raha hu, parent body ye body hai, ye this is hydra. Ab hydra jo hai isme budding ke tarike se reproduce karta hai, kya hota hai budding mein, sabse pehle kya hai, maine body banayi jiska mouth hai, mouth ke irigrid structures hote hain, these are called as tentacles. Tentacles jo hai, टेंटिकल्स की मदद से ये अपने प्रे को, अपने शिकार को, अपने फूड को कैप्चर करते हैं, जैसे हमारे हाथ है, समझो सिंपल, इस तरह से हमारा हाथ काम करता है, इस तरीके से इसके टेंटिकल्स काम करते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स आर जस्ट लाइक आवर हैंड्स, दे पिक अप, दे कैप्चर द प्रे विद द हेल्प ऑफ दिस टेंटिकल्स एंड देन पोर इट इनटू इट्स माउथ, ठीक है। तो ये हाइड्रा का, हाइड्रा की बॉडी है। अब क्या होता है बॉडी में, देखो बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले ये अपने आप को मैच्योर करता है, सबसे पहले ये जो हाइड्रा है अपने आप को क्या करता है, मैच्योर करता है, ठीक है, अच्छा फूड खाता है, ठीक है, मैच्योर बन जाता है। इसके बाद जो इसकी बॉडी है, इसकी मेन बॉडी जो ये है, इसकी मेन बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ सा निकल जाता है,
ये बाकी स्ट्रक्चर इसके अपने हैं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर। लेकिन क्या हो गया, जो अपने आप को पहले मैच्योर करता है ना, इसके बाद इसकी मेन बॉडी जो है, मेन बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ सी निकलती है, ठीक है, एक आउटग्रोथ सी निकलती है, आउटग्रोथ निकल जाती है इसकी बॉडी के ऊपर, और इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं, ठीक है। द हाइड्रा फर्स्ट इट मैच्योर्स इटसेल्फ, इट बिकम्स मैच्योर, देन अ स्मॉल आउटग्रोथ अराइज ऑन इट्स बॉडी विच इज कॉल्ड एज बड। क्या देखते हैं, ठीक देखिए, अब क्या होता है इसके बाद, अब ये जो बड है, इस बड को, इस ये बड डेवलप होता है, आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होता है, ग्रेजुअली डेवलप होता है, और इसको बिल्कुल एक छोटा ऐसा ही, जैसे पैरेंट है ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा देखो, दिस इज द हेड। अब ये जो इसकी जो बड़ है, ये भी बिल्कुल डेवलप होता है, अपना पैरेंट जैसा बना बन जाता है, तो छोटा है और वो बड़ा है, बड़ा फर्क इतना ही, इसके टेंटिकल्स आपने, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, द बड इट डेवलप्स gradually into a small hydra, ठीक है, ये नया new hydra बन गया इसके body के ऊपर, लेकिन ये bud जो है इसको support ही main body ही करता है, अभी तक इसको सारे जितने भी nutrients को जरूरत है और जो भी चीजें इसको require है, वो सारे के सारे इसको main body provide करते हैं, जो parent hydra है, this is the parent hydra, इसको सारे चीजें provide parent hydra ही करता है। पहले देखो एक और चीज यहाँ पे याद रखो, जो इसके adjacent cells होते हैं, जहाँ पे ये bud arise हो गए ना, ये bud जो आपने arise होगा, वहाँ से जो adjacent cells है, उसके एक cell में, one of the adjacent cells near the bud, वहाँ पे जो cell के अंदर nucleus होता है, यहाँ cell है, इसके अंदर nucleus है, वो nucleus divide होता है दो में, दो daughter tube बन जाते हैं, फिर से देखो, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, the adjacent cell and our the adjacent cell of the bud, it, the nucleus, its nucleus divides. The nucleus of the adjacent cell of the bud, it divides and forms two daughter nuclei. One of the nuclei enters into the bud. जब इसके दो बन जाते हैं, एक यहाँ इस bud में आ जाता है. क्योंकि nucleus जरूरी है, क्योंकि nucleus के अंदर बहुत सी information होती है. तभी जाके पूरी body develop हो जाएगी. ठीक है? तो इसी तरह इसीलिए जो वहाँ का adjacent cell है, bud के adjacent में, इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो में, और एक न्यूक्लियस क्या होता है, वो एंटर हो जाता है इस बड में, इसके बाद ये बड डेवलप हो जाता है, इसके बाद ये बड डेवलप होता है, और इसको ये छोटा सा हाइड्रा बन जाता है, इतना क्लियर है। और इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बड इनटू द हाइड्रा इज कॉल्ड एज ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस, इस प्रोसेस को ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बड इनटू अ न्यू हाइड्रा, ठीक है। अब देखो इसके बाद जब ये डेवलप हो जाता है अच्छे तरीके से, ये जो बड डेवलप हो गया न्यू हाइड्रा में, इसके बाद ये डिटेच होता है पैरेंट बॉडी से, यानी आप इससे ये जुदा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा इस मेन बॉडी से, इस तरीके से। अब ये मेन बॉडी है, ये मेन पैरेंट बॉडी है, पैरेंट हाइड्रा है, ठीक है, और इसका जो ये न्यू यहाँ पे नया बन गया है ना, वो डिटेच होता है यहाँ से दूसरा बन गया, ये छोटा छोटा हाइड्रा बन गया, और ये अपना इंडिविजुअल लाइफ गुजारेगा, ये थर्ड सिटीजन जो होता है, और इस तरीके से यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म अराइज हो गया, दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। एज सम वंस अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू, दिस व्हाट हैपेंस इन बडिंग, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्शन a small outgrowth arises on the body of the organism like hydra, and this outgrowth is called as bud. The adjacent cell of the bud, its nucleus divides into two, and one of the nuclei it enters the bud, and then the bud develops into a small hydra. This process is called blastogenesis, and ultimately the bud is detached from the parent body, and this leads its an individual life, ठीक है, तो this is called as this is bud. आया समझ, तो ये हमारे एक और method है structural reproduction का, ठीक है। इसके बाद अब हम
अब हम नाइट जो इसका एक और इम्पोर्टेंट मेथड है वी विल डिस्कस इट इन द अनदर वीडियो, ठीक है। सो आज हम इतना क्लियर है, कल अब आगे हम जो हमारे डायग्राम्स बने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके थैंक्स। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल टू योर सनी पब्लिक हाई स्कूल यूट्यूब चैनल। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड द टू टाइप्स ऑफ asexual reproduction. You know that asexual reproduction has many subtypes, and we have discussed it in the previous video. Fragmentation and what? Fragmentation and binding. Now, today we will discuss the another important, very important method of asexual reproduction, which is called as vegetative propagation. Vegetative propagation. This is the another propagation, another important method of the asexual reproduction. But remember, this occurs in plants only. This method of asexual reproduction, it occurs in plants only, not in animals. Okay. Now, what is vegetative propagation? देखो, vegetative propagation की क्या होता है? देखो ये plants होते हैं. Plant body में vegetative parts होते हैं. Vegetative parts. What are the vegetative parts of the plant? Plant के तीन main vegetative parts होते हैं. Number one, root, leaf and stem. These are the three important parts of a plant, and these are the vegetative parts. If अगर प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा इन तीन चीजों से, अगर प्लांट जो है कोई भी प्लांट अगर वो इन तीन चीजों से रिप्रोड्यूस करेगा, चाहे वो रूट से रिप्रोड्यूस करेगा या लीफ से या स्टेम से, तब जाके इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, इफ द प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय रूट, लीफ और स्टेम, देन इट्स कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ आ रहा है? ओके, तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। नाउ दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑफ टू टाइप्स। Remember, this vegetative propagation is of two types. Number one, natural vegetative propagation. Natural vegetative propagation, ठीक है? And number second, artificial vegetative propagation, ठीक है? यहाँ पे natural vegetative propagation में naturally plant by itself, root से, leaf से या stem से प्रोपेगेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। एंड इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यहाँ पे हम आर्टिफिशियली बाय मेन हम खुद बनाएंगे, हम खुद रिप्रोड्यूस करेंगे किसी प्लांट को रूट से, स्टेम से या लीफ से, ठीक है। यहाँ पे आर्टिफिशियली हम खुद करेंगे, और यहाँ पे हेयर द न्यू प्लांट्स आर रेज्ड बाय मैन फ्रॉम रूट, स्टेम और लीव्स। हेयर दे रिप्रोड्यूस, द प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द लीव्स, रूट्स और प्लांट्स इन द नेचर। ओके, तो ये दो टाइप्स इसके हैं, तो वन में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिस्कस करेंगे। सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। देखो, बहुत से प्लांट्स नेचुरली लीव से रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत से प्लांट्स ऐसे भी हैं जो नेचुरली रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं, और बहुत से प्लांट ऐसे भी हैं जो नेचुरली रूट से प्रोड्यूस करते हैं, स्टेम से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनको थॉरली हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे बाय रूट्स, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक और चीज याद रखो, डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बड। व्हाट इज ए बड? बड क्या चीज होती है? देखो, सिंपल याद रखो, बड इज मॉडिफाइड शूट, इज ए मॉडिफाइड शूट, ठीक है। ये शूट का ही हिस्सा है, रूट सिस्टम का हिस्सा नहीं, शूट सिस्टम का हिस्सा है, बट इट इज मॉडिफाइड। मॉडिफाइड शूट क्यों है? देखो, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इट कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसमें
ये मॉडिफाइड शूट है, इसमें स्पेशलाइज सेल्स होती है और इन सेल्स को पता होता है वो उन एक सेल या जितने भी सेल्स हैं, दो सेल तीन सेल जितने भी सेल्स होंगे उन सेल्स को ये इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी प्लांट बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। बट जो है बट इज अ मॉडिफाइड शूट विच कंटेन स्पेशलाइज सेल्स एंड दैट दे हैव द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म द ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ओके। इसको हम बड कहते हैं। जैसे हमने पिछले बार अगर हमने एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इस वक्त हमने आपको समझाया था एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जूम क्लासेस में, हमने उस वक्त पोटेटो में बताया था आपको कि पोटेटो में आईज होते हैं, ठीक है, आईज इसको कश्मीरी में चश्मा हम कहते हैं, तो आईज हम कहते हैं इनको, ठीक है। वो आई क्या होती है असल में, हमने बोला था उस वक्त हम पीस पीस करते हैं उनको, स्लाइसेस बनाते हैं पोटेटो को, फिर आप उसको जमीन में लगाते हैं, वहां से नए पोटेटो के प्लांट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन जिस पीस में कम से कम एक आई होगी, वो आई क्या चीज है, उस आई में यही बर्ड हो होता है। दीज आईज कंटेन द बर्ड्स एक्चुअली। किस तरह से एक पीस को नया पूरा प्लांट पोटेटो का प्लांट बन जाएगा, दीज आईज एक्चुअली कंटेन द बर्ड्स, बिकॉज बर्ड्स आर द बर्ड्स कंटेन द स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे हैव द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द कंप्लीट प्लांट बॉडी, ठीक है। तो बर्ड क्या है, मॉडिफाइड शूट है व्हिच कंटेन्स द स्पेशलाइज्ड सेल्स, प्रोटीन पोटेंट सेल्स व्हिच हैव द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द कंप्लीट प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये बर्ड है, ये आप लोगों को बर्ड क्या चीज है। अब हम करेंगे डिस्कस इस नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। देखो सबसे पहले हम देखेंगे बाय रूट्स, बाय रूट्स तो बहुत से प्लांट्स ऐसे भी है, फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटेटो है, स्वीट पोटेटो है फॉर एग्जाम्पल मीठा आलू, ठीक है। या एक और फ्लावरिंग प्लांट है डहलिया, आपने देखा होगा इसके बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं डहलिया। देखो ये मैंने यहाँ पे डहलिया आपके बनाया है, ये मैंने डहलिया बनाया है और ये आपका स्वीट पोटेटो है, दिस इज द स्वीट पोटेटो, ठीक है। ये दो प्लांट जो है इनके जो रूट्स हो, ये डहलिया जो फ्लावरिंग प्लांट है इसका फ्लावर होता है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो देखे, ठीक है, कैसे देखे, किसी के डहलिया फ्लावर मिल जाते हैं हर एक जगह पे। तो स्वीट पोटेटो जो है या वो डहलिया जो है इनके जो रूट्स होते हैं वो स्वोल्ड होते हैं, इनके रूट जो होते हैं इनके रूट्स होते हैं स्वोल्ड, फूले हुए होते हैं, स्वोल एंड ट्यूबरस, स्वोल एंड ट्यूबरस ड्यू टू फूड स्टोरेज, ड्यू टू फूड स्टोरेज, इनके रूट्स में फूड स्टोर होता है। डहलिया और स्वीट पोटेटो के ये रूट्स है, स्वीट पोटेटो इज द मॉडिफाइड रूट और ये डहलिया का ये रूट है, ये रूट है, ठीक है, ये रूट्स है, ये इसका ये रूट है, स्वीट पोटेटो जो है ये रूट है, ठीक है, ये मॉडिफाइड रूट है। तो ये स्टोर होता है, फूले हुए होते हैं, ठीक है, ये फूले हुए हैं क्यों है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, इनमें फूड स्टोर होता है और इस वजह से वो फूले हुए होते हैं और इस दीज कंटेन बड्स, इनमें क्या होते हैं, बड्स होते हैं, इक्वली बड्स होते हैं, बहुत से बड्स होते हैं यहाँ पे, जैसे बड़े बड़े बड्स होते हैं, ठीक है, ये बड्स, दीज आर द बड्स, दीज आर द बड्स, ठीक है, इनमें बड्स होते हैं। अब क्या होता है, अगर ये नेचुरली अगर इस बार आपने फॉर एग्जाम्पल डहलिया का डहलिया लगाया ना फ्लावर, डहलिया का वो लगाया नीचे रूट, फिर अगले साल वो फ्लावर देगा, फिर नेक्स्ट ईयर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वहां खुद ही आएगा नेचुरली, वहां से खुद आएंगे नए जो बड्स जो है, नए बड्स से नए फ्लावर खुद ही आएंगे, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से स्वीट पोटेटो में नेचुरली आ जाते हैं, वहां पर ही बर्ड्स होते हैं और उन बर्ड्स से नए नए प्लांट्स निकल जाते हैं, ठीक है। सो नेचुरली यहाँ पे इन दो प्लांट्स में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ नेचुरली बाय रूट्स इन दो प्लांट्स में, इस चीज क्लियर, ठीक है। आगे जाए इसके बाद हम देखेंगे बाय लीव्स, बाय लीव्स। अब देखो लीव्स के जरिए से भी बहुत से प्लांट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइला एक कॉमन एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइला
ये जो मैंने बनाया ये लीफ, ये परायोफाइलम है, परायोफाइलम प्लांट का लीफ है, ठीक है। या एक और है सेपोलिया, सेपोलिया। एक और है बेगोनिया। एक और है सिट्रिप्टोकार्पस, सिट्रिप्टोकार्पस, ठीक है। तो दीज प्लांट्स, ये बायोफाइलम का एक लीफ मैंने बनाया, बायोफाइलम प्लांट का क्या होता है, बायोफाइलम का प्लांट जो है इसकी लीव्स होते हैं स्मॉल बट मोटे होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं इस बायोफाइलम के, ठीक है। अब देखो इसका जो लीफ होता है बायोफाइलम का, इसके जो मार्जिन होते हैं बायोफाइलम लीफ के, जो मार्जिन है, मार्जिन में जो नॉचेस है, नॉच, ठीक है, बायोफाइलम लीफ के जो मार्जिन में नॉचेस है और वहां पे बड्स होते हैं, ठीक है, मेन बड है वहां पे, बडीज आर द बड्स। देखो यहां पे जो बड है, यहां पे बड्स है, ठीक है। ये बड्स क्या करते हैं, जब ये गिर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट से, बायोफाइलम प्लांट से ये लीफ गिर जाएगा नेचुरली, ये नेचुरली गिर जाएंगे, प्लांट लीव्स गिरते रहते हैं, तो नीचे अगर जमीन जो है फेवरेबल है, अगर मिट्टी गीली है, ठीक है, सुटेबल एनवायरमेंट आगे इस लीफ को मिलेगी, तो ये बड्स जो है बड्स ग्रो करते हैं, ठीक है, बड्स ग्रो करेंगे, यहाँ पे ऊपर से शूट सिस्टम निकलेगा, नीचे से रूट सिस्टम निकलेगा, तो नए प्लांट्स यहाँ से निकल जाते, फिर हम उनको निकाल भी सकते, उसे जगह पे लगा सकते, तो यहाँ से नए नए बायोफाइलम के प्लांट्स आएंगे। सो नेचुरली लीव्स के जरिए से यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया। इस तरीके से सेपोलिया, बेगोनिया और सिट्रिप्टोकार्पस, यहाँ से भी अगर ये देखिए, आज की जो ये तीन मैंने बताया, अगर ये इनके लीफ काटेंगे, कट जाते हैं नेचुरली, फॉर एग्जांपल नेचुरली कट, वहां पे जो है वहां से बड्स बन जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां उन बड्स से नए प्लांट्स आ जाते हैं। सो दीज प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस बाय लीव्स, ओके, तो नेचुरली यहां से लीव्स के जरिए से रिप्रोडक्शन हो गया, इनके मार्जिन पे क्या होते हैं बड्स होते हैं जहां से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये बाय लीव्स हो गया, इसके बाद हम देखेंगे बाय स्टेम्स। बाय स्टेम्स देयर आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स आल्सो व्हिच रिप्रोड्यूस बाय स्टेम्स। जैसे देखो आपने कॉमन एग्जांपल साइनोडॉन देखा होगा, साइनोडॉन, साइनोडॉन आप जानते हो डूब ग्रास जिसको हम बोलते हैं, ड्रूप ग्रास जो लैंड में होते हैं ना, ग्रास पार्क में जो ग्रास होता है, इस तरीके से यहां से निकलते हैं इसके ग्रास जो है ना, जो हमारे पार्क वगैरह में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइनोडॉन, इसका साइंटिफिक नेम है, और ड्रूप ग्रास को इंग्लिश नेम है। अब देखो जो ग्रास होते हैं पार्क में, अगर इस बार देखो अगले सीजन में जो विंटर में ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगले साल फिर समर में क्या होता है, नया खुद ही आता है ग्रास, डूब ग्रास जो खुद ही आता है, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। कैसे, क्योंकि इसका जो सिस्टम है ये इसका रनर, इसको रनर बोलते हैं, ये सिस्टम जो है रनिंग टाइप की है, रनर इसको बोलते हैं, इस तरह से जाता है ना इसका सिस्टम, तो इसके सिस्टम में भी होते हैं बड्स, इसके सिस्टम में भी बड्स होते हैं, ये नोड, नोड्स पे बड होते हैं, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे रूट्स निकलते हैं और यहाँ से शूट आ जाता है, इस तरीके से क्या होता है सिटम से, यहाँ पे सिटम से रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो एक और कॉमन एग्जांपल है वो इस तरह समझाएगा, कैक्टस आपने देखा होगा बहुत सालों में, ठीक है, कैक्टस आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से रफली डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ये कैक्टस प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये कैक्टस प्लांट है, कैक्टस प्लांट पे देखो होगा आपने सुई जैसे होते हैं, दीज आर द एक्चुअली दैट इज नीडल लाइक स्ट्रक्चर आर एक्चुअली इट्स लीव्स, नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो कैक्टस प्लांट के ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर द लीव्स ऑफ द कैक्टस। और ये जो मेन बॉडी है ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर की मेन बॉडी जो होती है ना, ये क्या है, ये इसका सिटम है, सिटम है इसका। अब देखो अगर ये कट जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये नेचुरली कट जाते, कभी कभी हम कुछ भी काट सकते, नेचुरली भी कट जाते, अगर वो ये पीस नीचे गिरेगा इसका ये पीस, तो यहाँ से नया प्लांट आएगा, यहाँ से भी मेन सिस्टम से, मेन सिस्टम पे भी बड्स होते हैं, तो वहां से नोड्स होते हैं, वहां बड्स होते हैं, तो वहां से नया प्लांट अराइज हो जाता है, ठीक है। तो मेन सिस्टम से कट जाएगा नेचुरली, वहां से नया प्लांट आएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं,
अब आमतौर पे स्टेमल्स सॉइल के ऊपर होते हैं, लेकिन कुछ स्टेमल नीचे भी होते हैं, जमीन के नीचे भी, उनको हम मॉडिफाइड स्टेमल बोलते हैं। जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक जो है ना, टर्मरिक क्या वो स्टेम है बट अंडरग्राउंड। इसी तरह से कॉलोकेशिया है, कॉलोकेशिया हम कच्चा आलू भी बोलते हैं, कच्चा आलू, ठीक है। जो मैंने ये डायग्राम बनाई है इसकी बनाई है कच्चा आलू की, कॉलोकेशिया की। तो ये जो है इनमें ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। देखो कॉलोकेशिया क्या है, इसकी जो नीचे होता है अंडरग्राउंड रूट, ये अंडरग्राउंड स्टेम है इसका, रूट्स इसके लिए है, ये जो मैंने बनाया दीज आर द रूट्स, दिस इज द रूट। अब ये जो है इसके यहां पर इसके नोड, इंटरनोड, इसके अंदर नोड और नोड्स, दो नोड्स के बीच में जो जगह है इनको हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। और ये जो नोड है, नोड और इंटरनोड पे यहां पे आपको बड्स मिलेंगे, दीज आर द बड्स, ठीक है। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है चाहे टर्मरिक के या कॉलोकेशिया के, इनके नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में क्या होते हैं, बड्स होते हैं। और अगर इस साल आपने लगाया है तो अगले साल जब ऊपर वाले पार्ट्स जो एरियल पार्ट्स है ना वो खत्म हो जाते हैं, फिर अगले साल खुद इन बड्स से नए नए कॉलोकेशिया टर्मरिक आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस टर्मरिक कॉलोकेशिया दिस कैक्टस और ओपनशिया, इनमें बाइसिकल के जरिए से रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज नेचुरल विजिट टू प्रोपगेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल विजिट टू प्रोपगेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। टिल देन ओके बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।